रही बात बेबी की फेस रिवील, ये देखो अब छोटे से बच्चे को अगर कोई क्यूट बोल रहा है तो हम तो उसको ब्लेसिंग ही समझेंगे, हम सोचेंगे नहीं कि भाई इसको नजर लग रही है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इफ इन केस किसी ने मान रखा है तो हमें कोई परवाह नहीं, ये वाला हिसाब है। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के ब्लॉग हमारा इकलौता बच्चा आज बाहर है। इतने सेल्फिश माँ बाप है हम। हमने वीडियो बनाया कमेंट का जवाब देने के लिए, बच्चे को बाहर उसकी नानी खिला रही है, उसकी बुआ खिला रही है और उसकी दो दीदियां भी हैं। मैं सेल्फिश नहीं। तुमने अपने बच्चे को क्या बोल? कुछ नहीं, मेरा बच्चा है तुम्हारा नहीं। जैसे इन्होंने सब कुछ करा है, मेरा तो कुछ योगदान नहीं। एनीवेज, तो गाइस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी कमेंट थी अनिल के वीडियोस पे भी, ब्लॉग्स पे भी, शॉर्ट्स पे भी और मेरी ब्लॉग पे भी, शॉर्ट्स पे भी, कि आपने बहुत अच्छा किया बेबी का फेस रिवील करके। नहीं, बाकी बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो तो इतना सस्पेंस बना के रखते हैं, मतलब फोटोज अपलोड करते हैं बट चेहरे पे स्टिकर्स लगा देते हैं और बहुत ही ओवर रिएक्ट करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि प्लीज़ अपलोड मत करो अभी से, बेबी नाजुक है, बेबी की फ़ोटोज मत अपलोड करो, नज़र लग जाएगी, मतलब ये बेसिकली नज़र वाला और एटीट्यूड वाला, कि बेबी की पोस्ट जो वीडियो हमने पहले रिवील कर दिया कि हाँ भाई बॉय है या गर्ल है। और देखो क्या हुआ ना, जब बेबी होने वाला था और होने से पहले ऑब्वियसली जैसे फैमिली हो गई या फिर फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या फिर हमें आसपास से जो सुनने को मिलता है कि ऐसे बेबी फेस को रिवील नहीं करना है, ये नहीं करना है, और एक दो दोस्त तो ऐसे भी बोलते हैं कि सस्पेंस रखना, पूरा सस्पेंस रखना, तो वो चीज़ ना मेरे को ना पसंद नहीं आई, वो टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, और जब ये सारे कमेंट्स आ रहे थे ना, तो सारे कमेंट्स में प्रीत को ही बता रहा था, प्रीत की तो वैसे हालत डैमेज थी उस टाइम में, लेकिन मैं प्रीत को बता रहा था कि मतलब कि सब ये क्यों बोल रहे हैं कि आपने, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने फेस में ज़्यादा चोचलेबाजी नहीं की, सस्पेंस नहीं करा और आपने ऐसे ही दिखा दिया बेबी का फेस, ये सबसे अच्छी बात थी। और उसमें कुछ कमेंट, सिर्फ कुछ कमेंट ऐसे थे कि फेस रिवील मत करो नहीं तो नज़र लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम उस चीज़ को भी समझते हैं, राइट। तो पहले मैं यही सोच रहा था, मैंने कि यार ऐसा भी होता है, तो कुछ लोगों के मैंने ब्लॉग्स देखे कि देखते हैं न्यू बेबी गर्ल, मैंने टाइप करा और ब्लॉग्स आए, तो जो ब्लॉगर्स हैं जिनके बच्चे हुए हैं उसमें उन्होंने एक एक दो दो महीने लगा दिए हैं फेस रिवील कराए उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने एक एक दो दो महीने लगा दिए हैं। अब क्या करते हैं, मैंने उनका एक जो वो देखा है कि वो जो थंबनेल होता है उस पर मतलब कि इस तरीके से लगाते हैं कि जैसे ये हुआ है बेबी या गर्ल या बॉय या इस तरीके से सस्पेंस बना के रखते हैं, लेकिन व्लॉग में वो चीज़ दिखती नहीं है, राइट। तो हाँ, ऐसे भी होते हैं। ये बेसिकली मुझे बाद में समझ में आया कि ये व्यूअरशिप के लिए है, क्योंकि उससे ना सस्पेंस से व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और एक ये कि भाई अपलोड तो करते हैं बेबी के साथ भी ब्लॉग बनाते हैं वो, बट बेबी का फेस हाइड कर देते हैं और फिर वही है, क्योंकि फिर लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करेंगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगी तो रीच बढ़ेगी, तो वो इस तरीके से गेम प्ले कर रहे हैं, बट हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। हाँ यार, मतलब कि वो व्यूज व्यूज का ऐसा तो हमारा, मैं बताऊँ जब ब्लॉगिंग शुरू करी थी ना, मैंने पहले शुरू करी थी और प्रीत ने करी थी शादी होने के बाद, और मैंने शादी होने के एक महीने पहले, राइट। तो उस टाइम पे मैं किसी के भी व्लॉग नहीं देखता था, मेरे को पता ही नहीं था कि एक्चुअली में व्लॉग होता क्या है, लेकिन हाँ यार दोस्तों ने कहा था मतलब कि जिस तरीके से तेरा लाइफस्टाइल है तो ब्लॉगिंग कर सकता है, ये सारी चीज़ दिखा सकता है, तो मैंने शुरू कर दी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने ये चीज़ देखी ना, तो जैसे वो कुछ नेगेटिव कमेंट को बता, नेगेटिव नहीं बोलेंगे उसको, वो भी उनकी एक राय है कि नज़र लग जाएगी या नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए। मेरे को एक उस टाइम पे मैंने एक चीज़ सोची, बेबी का फेस रिवील करने से पहले तीसरे दिन ही दिखा दिया था, तो कि एक बेबी होता है माँ बाप का, और जो बेबी की 90% जो शक्ल होती है वो माँ बाप से ही कहीं ना कहीं मैच खाती है। तो हमें पता है कि एक बेबी है, छोटा सा बच्चा है,
और उसकी शक्ल ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैच ही करेगी दोनों माँ बाप से, तो प्रेडिक्शन तो पहले ही हो गया कि एक छोटा सा बेबी है, इनका बेबी ऐसा सा होगा, तो ऑब्वियसली जैसे व्यूअर्स भी होते हैं उनको पता लग जाता है कहीं ना कहीं आइडिया। लेकिन अगर ये नज़र वज़र की बात करें, ये सारी चीज़ें बात करें, तो ये इस तरीके से है जैसे एक होता है ना, मैं इस चीज़ को पर्सनली नहीं मानता, तुम मानते हो नज़र को? सही बताऊँ ना, बच्चा हो गया ना, उसकी क्यूटनेस को देख के तो मानना पड़ेगा। वो कह भी रही थी नीचे भाभी है, वो कह भी रही थी, कहती अब विश्वास होने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ कि ये नज़र का सिस्टम, मतलब कि मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन ये होती हैं, ये मैं मानता हूँ, नज़र वगैरह सब कुछ होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे कमेंट्स आए तो मैंने इसके बारे में सोचा, और सोचने का जो बात जो हमने मतलब इस सॉल्यूशन पे आए कि नज़र हमेशा तब काम करती है जब आप उस चीज़ में ज़्यादा डूबे हुए होते हो। दैट मीन मान लेते हैं कि कोई व्लॉगर अपना बेबी छुपा रहा है, राइट, और स्टिकर लगा रहा है वो इस तरीके से, तो दैट मीन्स कि तुमने ऑलरेडी इस तरीके से वो कर दिया कि हमारा तो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, या फिर हमें तो पंडित जी ने ऐसा बोला है, फिर किसी ने बोला है, दैट मीन्स कि नज़र लग जाएगी, दैट मीन्स कि तुमने बिलीव कर लिया कि ऐसा हो जाएगा, राइट। और जब हम किसी चीज़ पर बिलीव करने लग जाते हैं ना, तो वो बिलीव करने वाली चीज़ हमें अट्रैक्ट भी करती है। मेरा शुरू से मानना, जैसे मैं खुद की अपनी लाइफ का बताता हूँ, या फिर प्रीत का भी, ये भी कि ना किसी के बारे में गलत सोचना है, ना करना है, और ना उसके बारे में किसी के बारे में गलत राय रखनी है। तो अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, ना किसी भी तरीके से कुछ गलत हो, तो कोई हमारे बारे में क्यों सोचेगा, राइट। और जब हम ये सोच भी नहीं रहे हैं, और सामने वाला इवन केस कोई भी है, वो मन ही मन में जेलस फील कर रहा है, तो वो हमारी एनर्जी बताती है कि उसकी जो नज़र है हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। जैसा होता है ना, जैसे कि ये ना मेरे से साड़ा बड़ा चिढ़ रहा है, इसको तो और चिढ़ाऊंगा, मजा आएगा। जब ये वाली फीलिंग होती है ना, तो नज़र काम करती है। जब ऐसा है नहीं, अरे भाई यार मेरे से चिढ़ रहा है यार, पता नहीं ऐसा क्या है, मैं तो इसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, भगवान इसका भी भला करे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे ये सोच होती है ना, वहाँ पे नज़र काम करती नहीं है, मेरा तो ये मानना है। बाकी अब देखो, ये चीज़ तो हमें पता नहीं है, बाकी सस्पेंस शॉक यार मैं बताऊं, बिल्कुल जो काड़ी काड़ी होते हैं ना, उनको भी नज़र लगती है कि कहते हैं मैंने काड़िया बोल दिया है तुम उसको कलर पे ले जाओगे, लेकिन ये समाज की हकीकत है। जो काला रंग होता है उसको हम उसमें बकसूरत में समझते हैं, लेकिन नज़र उनको भी लगती है, तो बकसूरत को नज़र कोई क्यों लगाएगा? क्योंकि हम किसी चीज़ पर जब हद से ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं ना, और कोई जब लौंडा है, लड़की है, सांवले रंग की है, काले रंग की है, और वो बढ़िया से एकदम से कॉस्ट्यूम वगैरह पहन लेती है, अलग ही लग रही होती है, लग रहा होता है, और वो ये सोच के चलता है, आज तो मैं बढ़िया लग रही हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ, अरे ये सोच के चलता है ना, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करती है इन चीज़ों को, और बाद में और उनको भी लगती है, और बाद में थोड़ी सी भी तबीयत डाउन हो जाए, फिर वो सोच जाते हैं हाँ मुझे तो नजर लग गई, फिर वो सीधा वो तेल में वो डालते हैं, बढ़िया तरीके से जलाते हैं, ऐसे आग लगती है, वो भाई नजर, उसको चप्पल से मारते भाग नजर भाग नजर। तो देखो ये चीजें होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती है, बट मैं विश्वास इस तरीके से करता हूँ, मेरा किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है यार, ना मैं देख, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, बट कहते हैं ना, जैसे मैं प्रीत का भी बोल गया, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, इफ इन केस किसी ने मान रखा है तो हमें कोई परवाह नहीं है, ये वाला हिसाब है। हम तो अपना तो रूल यही है कि सबके साथ बढ़िया करके चलो, इफ इन केस कोई एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस रास्ते में सीधे निकल जाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात बेबी के फेस रिवील, ये देखो अब छोटे से बच्चे को अगर कोई क्यूट बोल रहा है तो हम तो उसको ब्लेसिंग ही समझेंगे, हम सोचेंगे नहीं कि भाई इसको नजर लग रही है। अब जब हम उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, उसकी तारीफ को, उसकी फिर हम देखो अगर इस वे में लेंगे ना कि हाँ भाई ये हमारे बच्चे की तारीफ कर रहा है और कर रही है या कर रहा है, और हम इसको लेंगे कि हाँ भाई नज़र लग जाएगी, इसने तारीफ कर दी तो उसको नज़र लग ही जाएगी, हम सोचेंगे यार ब्लेसिंग दे रहा है बस, क्यूट है। आपके इतने सारे कमेंट्स आए, मैं बता रहा हूँ अनलिमिटेड कमेंट्स आए, हम मतलब कि पढ़ भी नहीं सकते, इतने ज्यादा कमेंट्स आए, राइट। और उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही है बहुत सारा, और इफ इन केस चलो पॉजिटिव तो है ही, इफ इन केस को ये भी बोल रहा है कि फेस रिवील मत करो,
नजर लग जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं बेबी के बारे में अच्छा ही सोच रहा है। तो जो आप लोग जो अच्छा सोच रहे हो तो ये नजर कैसे लग जाएगी, तुम खुद सोचो। मतलब कि इफ इन केस नजर लगेगी तो आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। तो दैट मीन्स कि जब सोशल मीडिया पे हमारे सब चाहने वाले ही हैं, तो वो कैसे कि छोटे से बेबी के बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं या फिर नजर वाली चीज हो सकती है। और तो गाइस मेरे को एक चीज बताना, ये कि अभी तो वैसे पता नहीं चलेगा, बट फिर भी आप प्रिडिक्ट करके बताना है कि बेबी अनी पे गई है या मुझ पे। मुझ पे तो वो ऑलरेडी सबके वो आ चुके हैं सबके, ये तो बिल्कुल अपने पापा की परी है। प्रीत जैसी क्यूट है, ये भी बहुत सारी कमेंट है, बट आप बताना। वैसे मेरे को पता अनी पे गई है, शक्ल तो मैं बताऊं चेंज हो रही है कभी कभी। तो भाभी तो एक दिन जब पहले दिन आई थी, भाभी कह रही बिल्कुल प्रीत, बिल्कुल प्रीत राइट, लेकिन दूसरे दिन वो मुझ पे लगे। चलो शक्ल तो अभी थोड़ी चेंज हो रही है राइट, लेकिन उसके हाथ और पैर बिल्कुल अनी है। यहाँ तक कि जैसे मेरा पैर का अंगूठा है ना, वो बिल्कुल ऐसे मेरी तरह है। उंगलियां है ना जो पैर की साइड की, वो बिल्कुल सेम है। हाथ की उंगलियां मतलब हाथ पैर का कलर, पूरे बॉडी का कलर मतलब बिल्कुल चिट्टा, बट वो ना फेस का कलर चेंज कर रही है, कभी रेड कभी कभी मतलब कभी ऐसा हो जाता है तो कभी ऐसा हो जाता है। तो नहीं कभी रेड बिल्कुल टमाटर की तरह रेड, कभी येलो, कभी ब्लैक हो जाता है। फेस चेंज कर रही है, पूरी बॉडी उसकी वाइट है। तो वो कहते हैं कि एक डेढ़ महीने तक ऐसे बेबी कलर चेंज करता रहता है, बट सच्ची में क्यूट सी भी लग रही है। उसमें बेचारे में वजन ही नहीं है अभी। बाकी आप सब हमारा अच्छा ही सोचने वाले हो, तो नजर काम नहीं करेगी, क्योंकि जहाँ पे दुआ होती है और ब्लेसिंग्स होती हैं, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज काम नहीं। हमारी जो ना सच्ची में बताऊँ ना, अभी भी देखो अभी कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं ज्यादा, मेरे को फोन चलाने से भी मना किया हुआ है, और ज्यादा मैं मतलब देख सकते हो कि ऐसे बैठ के व्लॉग बना पा रही हूँ। कल ही बनाया था जैसे हवन हुआ था, मेरे को इतना अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ऐसे व्लॉग आएंगे कुछ दिन, जब मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगी, अच्छे से खाने पीने लग जाऊंगी, तब मैं अपने अच्छे वाले व्लॉग्स बनाऊंगी। और अब तो दो की जगह अब तीन हो गए, तो व्लॉग में आपको और ही मजा आएगा। एंड गाइज और क्या करें, और बातें हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे, और ये वाला व्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।